In this lecture, we are going to discuss about the CRO, which is called कैथोड रे ऑसिलोस्कोप. देखिए, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप क्या एक इंस्ट्रूमेंट है, विच इज़ यूज टू डिस्प्ले द वेव फॉर्म्स. जो हमारी इनपुट वोल्टेज है, हम कुछ भी दे इनपुट वोल्टेज, उसको डिस्प्ले कराने के काम आता है. उसके डिस्प्ले से हम उसके क्या कहते हैं, RMS वैल्यू, पीक टू पीक वैल्यू. अगर हमें कोई भी वेव फॉर्म अगर रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, हमने कोई इनपुट सिग्नल अप्लाई किया, उसकी वेव फॉर्म वो डिस्प्ले करके दे रहे हैं वोल्टेज की. इट इज़ अ वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस. जो CRO है, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, वो वोल्टेज वेव फॉर्म डिस्प्ले करके देते हैं. वो जो वेव फॉर्म, उस वेव फॉर्म से हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, हम मेजर कर सकते हैं RMS वैल्यू, एवरेज वैल्यू, पीक वैल्यू और कैरेक्टरिस्टिक्स. देखे देखे CRO से फ्रीक्वेंसी कैसे मेजर करते हैं, एंगल कैसे मेजर करते हैं, वो सब डिस्कस करने वाले हैं. CRO का कंस्ट्रक्शन क्या होता है वो समझेंगे. तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट इज CRO क्या एक डिजिटल इक्विपमेंट है. लेबोरेटरी में देखा होगा कि लैब्स वगैरह में यूज होता है CRO. इट इज़ यूज टू डिस्प्ले द वेव फॉर्म्स. और ये कैसा होता है, डिजिटल इक्विपमेंट होता है. अभी तक जो हमने पढ़े, जो PMMC, EMMC, MI इंस्ट्रूमेंट, वो सारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होते हैं. जबकि CRO क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट है, राइट. इट इज़ अ वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस, नॉट अ करंट कंट्रोल डिवाइस. जबकि वो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में नहीं है, दिस इज अ इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट डिवाइस है ये, राइट. इसलिए CRO को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट और डिजिटल इक्विपमेंट है. CRO में क्या होता है, CRO एक क्या है, लीनियर डिवाइस है. लीनियर डिवाइस का मतलब क्या है, आउटपुट इसका क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है, राइट. CRO कैसा डिवाइस होता है, डिजिटल डिवाइस है और क्या है, लीनियर डिवाइस है. इट इज अ वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस, राइट. इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट नाम है इसका, दिस इज अ इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट में आता है CRO. जबकि PMMC, MI जो इंडिकेटिंग टाइप होते हैं, वो सारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होते हैं. CRO क्या है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है और वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस कहा जाता है. CRO के अंदर मेनली जो फंक्शन किसका होता है, CRT. CRT को हम हर्ट ऑफ CRO भी कहते हैं, बिकॉज जो CRT में क्या है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स का जनरेशन, उसका एक्सेलरेशन, उसका डिफ्लेक्शन और सामने स्क्रीन पे प्रोजेक्ट करना, ये सारा किस में होता है, CRT, दैट इज कैथोड रे ट्यूब. तो CRO का मेन पार्ट क्या होता है, CRT होता है. CRT के अगर कंपोनेंट्स की बात करें, तो हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन गन. तो इलेक्ट्रॉन्स का जनरेट करना, उसको एक्सेलरेट करना, ये किसका काम होता है, इलेक्ट्रॉन गन का. नेक्स्ट इज द डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स. जो इलेक्ट्रॉन गन आई है, ठीक है, उसको डिफ्लेक्ट ना हो जाए, मीन्स उसकी कितनी डिफ्लेक्शन होनी है, हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन होनी है कि वर्टिकल में डिफ्लेक्शन होनी है, उस इलेक्ट्रॉन बीम का जो क्या हो गया, जनरेट करके आया इलेक्ट्रॉन गन से, ठीक है. तो इलेक्ट्रॉन गन में एक्सेलरेटिंग एनोड भी होते हैं, कैथोड भी होता है, जबकि डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स भी हमारी दो तरह की होती है, हॉरिजॉन्टल ऑल्सो द वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स. स्क्रीन की बात करें, जहां पे इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा, वो क्या कहलाएगी, स्क्रीन ऑफ CRO है. अब वो इलेक्ट्रॉन जब स्ट्राइक करेगा, तो उसमें जो वेव फॉर्म, मीन्स एक लाइट जनरेट होती है जो हमें वेव फॉर्म की शेप में दिखती है, वो क्या होता है, किस पोजीशन पे वेव फॉर्म, किस पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन बीम जो आ रही है, वो जो स्ट्राइक कर रही है, वहां पे क्या होती है, एक लाइट चमकती है, जिसे क्या कहते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कितनी है उसकी. मीन्स जो स्क्रीन पे अगर हम बात करें, सपोज दिस इज द स्क्रीन ऑफ CRO, अगर मुझे कुछ ऐसा सा डिस्प्ले दिख रहा है, यानी कि यहां पे यहां पे यहां पे क्या आया है, पीछे से इलेक्ट्रॉन, इसके पीछे से इलेक्ट्रॉन क्या आ रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बीम जो आ रही है क्या आ रही है, यहां पे स्ट्राइक कर रही है, इसीलिए क्या आ रही है, ऐसी वेव फॉर्म मुझे दिखाई देते है स्क्रीन ऑफ CRO पे. देखिए, तो CRT क्या है, बेसिकली इट इज अ हर्ट, मींस जो मेन कंपोनेंट जो होता है CRO का, विच इज नथिंग बट अ कैथोड रे ऑसिलोस्कोप का, दैट इज कैथोड रे ट्यूब. तो अब देखते हैं इसका कंस्ट्रक्शन क्या होती है, कैसे वो बीम, ये देखिए, ये जब इलेक्ट्रॉन बीम आई, स्ट्राइक हुई, तो ये येलो येलो ग्लो करती है स्क्रीन. वो ग्लो क्यों करती है, क्या वेवफॉर्म बनने वाली है, वही डिस्कस कर रहे हैं. सो दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ CRO. तो देखिए, CRO किस प्रिंसिपल पे काम करती है, CRO के अंदर क्या, एक इलेक्ट्रॉन बीम आ रही है, वो इलेक्ट्रॉन्स कहां से जनरेट हो रहे हैं, वो होते हैं ये हीटिंग एलिमेंट. अगर हम बात करें, यहां पे क्या रखा रखा है, ये एक्सटर्नल सप्लाई वोल्टेज कनेक्ट करी, इससे एक्सटर्नल वोल्टेज गया, करंट फ्लो किया, ये क्या हीटिंग एलिमेंट है. जस्ट लाइक अ हीटर, क्या कर रहा है, वो हीट जनरेट करके दे रहा है. हीट जनरेट करने से यहां पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हो रहे हैं,
ये क्या है, हीटिंग एलिमेंट किसके अंदर है, ये कैथोड, ये असेंबली क्या है, कैथोड है, जो क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन्स को जनरेट कर दिया है, उस कैथोड के अंदर क्या है, हीटिंग एलिमेंट है, ये हीटिंग एलिमेंट पड़ा हुआ है। इसीलिए क्या कहते हैं कि सीआरओ किस प्रिंसिपल पे काम करता है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ थर्मो आयनिक एमिशन। नाम देखिए, थर्मो आयनिक एमिशन मीन्स एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ हीटेड सरफेस इज कॉल्ड एज थर्मो आयनिक एमिशन। तो यहां पे क्या हुआ, ये हीट कर वोल्टेज अप्लाई करी एक्सटर्नल सप्लाई से, ये क्या हुआ, हीट होना स्टार्ट हुआ, दिस इज एलिमेंट इज कॉल्ड हीटिंग एलिमेंट। जिस ये क्या है, कैथोड के अंदर क्या पड़ा, हीटिंग एलिमेंट, और यहां पे क्या हुए, इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हुए, राइट। तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे जनरेट हो रहे हैं, हीटिंग एलिमेंट से जनरेट हो रहे हैं, विच इज जनरेटिंग द कैथोड जनरेट करके दे रहा है। तो प्रिंसिपल ऑपरेशन होता है थर्मो आयनिक एमिशन। तो हीटेड सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन क्या बताता है मुझे, इलेक्ट्रॉन्स बीम जनरेट करके देता है। तो एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, तो ये क्या दिख रहा है मुझे, एक पूरी बीम आ रही है। एग्जैक्टली, अगर इतने सारे ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन बीम निकल रही है, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो इसमें पास हो रहे हैं वो कहां, कौन जनरेट कर रहा है, कैथोड जनरेट कर रहा है, राइट। अब कैथोड के ऊपर इसकी इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं उसको बढ़ाने के लिए हम क्या रखते हैं, इसके ऊपर एक लेयर डिपॉजिट करते हैं, जिस लेयर का नाम क्या होता है, बैरियम ऑक्साइड, दैट इज बैरियम ऑक्साइड, बैरियम ऑक्साइड या स्ट्रोंटियम ऑक्साइड की लेयर डिपॉजिट करते हैं कैथोड के ऊपर, ताकि ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल सके, या उनका जो एनर्जी है जो एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स की वो क्या हो सके, ज्यादा से ज्यादा हो। इन बिटवीन यहां पे आता है कंट्रोल ग्रिड। कंट्रोल ग्रिड का काम क्या होता है, देखिए अगर मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे हैं उसको कंट्रोल करना है तो कैसे कंट्रोल करेंगे, उसका फंक्शन किसका होता है, वो कंट्रोल ग्रिड का, दैट इज कॉल्ड एज कंट्रोल ग्रिड। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे हैं, ठीक है, कंट्रोल ग्रिड को क्या दिया जाता है, नेगेटिव पोटेंशियल। क्यों दिया जाता है, बिकॉज देखिए जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, और सेम चार्ज क्या होता है, रिपेल करता है। अगर इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है और मैंने एक क्या लगाई, प्लेट लगाई, और ये सर्कुलर सिलेंडर टाइप का ही है, जिसका काम क्या है, जिसको दिया गया है नेगेटिव पोटेंशियल, ताकि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे हैं उसकी इंटेंसिटी को कंट्रोल कर सके, या उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे हैं उसको कंट्रोल कर सके। यानी कि ऐसा नहीं है कि हीट करते गए और निकलता गया, उसको कंट्रोल करने के लिए ही क्या यूज करते हैं, कंट्रोल ग्रिड। ये किसका बना होता है, निकल मेटल का बना होता है, निकल का। अब देखिए यहां से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन बीम आ गई हीट सप्लाई के, मींस कनेक्टेड टू द एक्सटर्नल सप्लाई, पावर सप्लाई से कनेक्ट किया हीटिंग एलिमेंट को, हीट हुआ कैथोड, तो उसने क्या करा, इलेक्ट्रॉन्स को एमिट किया। अब इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए, मींस इलेक्ट्रॉन बीम जनरेट हो गई है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स बीम जनरेट हुई है, हमारा पर्पस क्या है, वो जितनी तेज स्पीड से इसको हिट कर सके उतना होना चाहिए, यानी कि उसकी स्पीड को, इलेक्ट्रॉन्स बीम की स्पीड को बढ़ाना है। इसीलिए हम क्या यूज करेंगे, अब एक्सेलरेटिंग एनोड। इलेक्ट्रॉन को हम कैसे एक्सेलरेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज दिया जाता है नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, नेगेटिव। अगर मैं इसके पॉजिटिव चार्ज अप्लाई करूं किसी प्लेट पे, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। अपोजिट चार्ज क्या होते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। जितना स्ट्रॉन्ग चार्ज होगा उतना क्या होगा, फोर्स लगेगा। तो फोर्स कितना लगता है, फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। तो जितना ज्यादा क्या होगा, चार्ज होगा उतना ज्यादा क्या होगा, फोर्स होगा। तो जितना ज्यादा, देखिए ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा इसकी तरफ से। दिस इज द स्टेशनरी पार्ट, जो एक्सेलरेटिंग एनोड है वो क्या है, स्टेशनरी है। लेकिन उसको क्या दिया गया है, यहां पे क्या क्या दिया गया है, दिस इज कॉल्ड प्री एक्सेलरेटिंग एनोड। यहां पे हमने क्या अप्लाई किया, उसको प्री एक्सेलरेटिंग एनोड अप्लाई किया। दिस इज अ प्री एक्सेलरेटिंग एनोड, जिसको क्या दिया हमने, बहुत ही हाई पॉजिटिव पोटेंशियल दिया, ताकि क्या कर सके, जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो उनकी स्पीड ज्यादा से ज्यादा हो, जितनी तेज स्पीड से निकले, मतलब उसका एक्सेलरेट करने के लिए। इसी लिए नाम है एक्सेलरेटिंग एनोड, जिसको क्या दे रहे हैं, पॉजिटिव पोटेंशियल दे रहे हैं, राइट। अब ये जो इलेक्ट्रॉन बीम अट्रैक्ट करी, अगर हम बात करें कि जो इलेक्ट्रॉन बीम आ रही है उसका एक्सेलरेशन किसने कराया,
एक्सेलरेटिंग एनोड, दो एक्सेलरेटिंग एनोड यूज होती है, वन इज कॉल्ड द प्री एक्सेलरेटिंग एनोड एंड अनदर इज कॉल्ड द पोस्ट एक्सेलरेटिंग एनोड। दो एनोड क्यों यूज करनी पड़ी? देखिए, अभी हमने इलेक्ट्रॉन जो यहां से कैथोड से निकल रहे थे उसकी स्पीड को तो बढ़ा दिया, लेकिन वो जो अगर स्पीड, देखिए जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं राइट, वो तो स्ट्रेट बीम यहां से कैथोड से निकल रहे हैं, कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स निकले। अब यहां पे हमने क्या कर दिया, एक्सेलरेटिंग, इसको कहते हैं प्री एक्सेलरेटिंग एनोड राइट, प्री एक्सेलरेटिंग एनोड लगा दिया जिसको बहुत हाई पोटेंशियल दिया जाता है, जनरली 500 वोल्ट का अगर हमने वोल्टेज अप्लाई करी है, मींस बहुत ही हाई वोल्टेज, पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई कर दी इस पे, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव चार्ज है, ये जो इलेक्ट्रॉन बीम है नेगेटिव है, ये क्या होगी, इसकी तरफ अट्रैक्ट होगी, तो ये स्ट्रेट पाथ में तो जाएगी नहीं, वो अपने पाथ से क्या हो जाएगी, डाइवर्ट हो जाएगी। बहुत ही हाई पॉजिटिव पोटेंशियल है तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन बीम को खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन बीम सीधी नहीं जाएगी, अपने पाथ से क्या हो गई, डिफ्लेक्ट हो गई, ये क्या हो गई, ऐसे डिफ्लेक्ट हो गई, यानी कि अब इसको फोकस करने की जरूरत है। इसीलिए हमारे पास नेक्स्ट चीज क्या आती है, प्री एक्सेलरेटिंग के बाद हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं फोकसिंग एनोड। तो देखिए फोकसिंग एनोड क्या कर रही है, ये नेक्स्ट जो एनोड है ये फोकसिंग एनोड है। फोकसिंग एनोड का काम क्या है, जो इलेक्ट्रॉन डाइवर्ट हो गए अपने पाथ से, मींस वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से दूर चले गए, अब उसको लेके आना वापस से एक सिंगल पाथ में लेके आना, उसका काम क्या होता है, फोकसिंग एनोड। इसको भी क्या अप्लाई किया जाता है, पॉजिटिव पोटेंशियल ही अप्लाई किया जाता है, लेकिन फोकसिंग एनोड का पोटेंशियल क्या होता है, लेस देन द प्री एक्सेलरेटिंग एनोड पोटेंशियल। इसका जो पोटेंशियल है उससे क्या होगा, कम होगा, दोनों पे के पास पॉजिटिव ही है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, इसका काम था डाइवर्ट कर दिया, अब ये फोकस कैसे करेगा। अब हमारा पर्पस क्या है, इलेक्ट्रॉन जो बीम डिफ्लेक्ट हो गए हैं उनको क्या करके लाना, एक फोकस करके लाना, एक स्ट्रेट पाथ में लेके आना। यहां पे हमने अप्लाई किया फोकसिंग एनोड, फोकसिंग एनोड, नाम क्या है, फोकस करना है, फोकसिंग एनोड। अब फोकस कैसे करेगा ये, इफ दिस इज गिवन एज 500 वोल्ट, इसको भी क्या कर रही है, पॉजिटिव पोटेंशियल दे रहे हैं, लेकिन क्या है, लेस देन प्री एक्सेलरेटिंग एनोड के पोटेंशियल से। ये क्या करेगा, देखिए अब ये हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल है, तो चार्ज क्या होता है, जो करंट फ्लो करता है वो क्या होता है, करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो करेगा, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स बीम की पोजीशन क्या होगी, इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, अब वो डायरेक्ट यहां से डाइवर्ट होगा, उसके बाद ये क्या करेगा, इसको वापस से लेके आएगा, इलेक्ट्रॉन बीम को वापस से जो डाइवर्ज हो गई थी उसको वापस से कन्वर्ज करेगा। तो यहां पे क्या लग रहे हैं हमारे, फोकसिंग एनोड लगे हुए, जिसने क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन बीम को फोकस किया। फोकस क्यों किया, बिकॉज ये क्या है, अगर दो हाई पोटेंशियल लगे हुए हैं, यहां पे मैंने अप्लाई किया प्लस 500 वोल्ट, नेक्स्ट अप्लाई किया प्लस 100 वोल्ट, तो ये क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन बीम जा रही है उसको फोकस करने का काम करेगा। तो दो हाई पोटेंशियल के बीच का जो सरफेस होगा वो कैसा बनता है, वो डबल कनकेव लेंस जैसा बन जाता है, तो इसीलिए क्या जाता है, इसको लेस पोटेंशियल दिया जाता है एज कंपेयर टू प्री एक्सेलरेटिंग एनोड, ताकि जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है वो क्या आ सके, वापस से अपने पाथ में मूव कर सके, इसीलिए नाम क्या रहा, फोकसिंग एनोड, जिसका काम क्या, इलेक्ट्रॉन बीम को फोकस करना। नेक्स्ट आता है पोस्ट एक्सेलरेटिंग एनोड, तो नेक्स्ट इज पोस्ट एक्सेलरेटिंग एनोड। पोस्ट एक्सेलरेटिंग एनोड क्यों कहते हैं, ये एनोड जो लगा ये क्या है, पोस्ट एक्सेलरेटिंग एनोड, मीन जो फोकस हो गए हैं, जो अपने पाथ से डाइवर्ट हो गए थे उनको वापस एक स्ट्रेट लाइन में लाने की कोशिश करी फोकसिंग एनोड ने, ठीक है। अब फर्दर उनकी क्या कर रहे हैं, हम एक्सेलरेशन को बढ़ा रहे हैं, मीन्स जो पाथ डाइवर्ट हुआ था अब ये कन्वर्ज हो गए, अब फर्दर ये क्या जाएंगे, अब ये फर्दर एक्सेलरेट होके जाए आगे आगे की तरफ। तो देखिए फोकसिंग एनोड और ये जो पोस्ट एक्सेलरेटिंग एनोड होती है, यहां पे क्या लगा रखा है हमने, पोस्ट एक्सेलरेटिंग एनोड, इसका काम क्या है, पोस्ट एक्सेलरेटिंग एनोड। प्री और पोस्ट एक्सेलरेटिंग एनोड को क्या दिया जाता है, सेम पोटेंशियल से कनेक्ट किया जाता है, बहुत ही हाई पॉजिटिव पोटेंशियल से कनेक्ट किया जाता है, ताकि जो अब वो इलेक्ट्रॉन जो डाइवर्ट हुआ था उसको फोकस होने के बाद भी वो क्या करे, एक्सेलरेट होके मूव करे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जा रहा था सीधा, सडनली पॉजिटिव पोटेंशियल आया, वो डाइवर्ट हो गया, फर्दर इसने क्या करा, फोकस करा, उस फोकसिंग को और स्पीड बढ़ाने के लिए क्या यूज करा गया, एक और
एक्सेलरेटिंग एनोड, जिसका नाम क्या है, पोस्ट एक्सेलरेटिंग एनोड। अब बहुत इसके बाद बीम की स्पीड क्या हो रही है, बीम अब सीधी रेंज में जा रहा है और बहुत हाई स्पीड से जा रहा है। यहां पे जो इलेक्ट्रॉन बीम की स्पीड से उससे बहुत हाई स्पीड पे यहां से जा रहा है वो। अब फर्दर यहां पे क्या आ गई है, दो डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स आ गई है। यहां से यहां तक कंप्लीट असेंबली को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन गन। तो इलेक्ट्रॉन गन में क्या आता है, कैथोड आता है, प्री एक्सेलरेटिंग एनोड आता है, फोकसिंग एनोड आता है, ना पोस्ट एक्सेलरेटिंग एनोड आता है। देयर आफ्टर इलेक्ट्रॉन सीआरओ में क्या होता है, दो प्लेट्स हैं, वन इज कॉल्ड द वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट एंड अनदर इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट। देखिए नाम इसका क्यों आया और दो प्लेट्स हमने क्यों यूज करी। अगर वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट जो होती है, ये जो वाई प्लेट है, दिस इज अ वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट, वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट। वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट का काम क्या होता है, देखिए हॉरिजॉन्टल जो इलेक्ट्रॉन बीम आ रही है ये वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स हैं, ठीक है, उनकी प्लेसमेंट क्या है, हॉरिजॉन्टली प्लेस करी गई है, लेकिन उसका फंक्शन क्या है, अगर इलेक्ट्रॉन बीम यहां से आ रही है तो ये वो क्या आएगी, ऊपर या नीचे, मींस वर्टिकली इलेक्ट्रॉन बीम का वर्टिकल मोशन किसकी, कौन कंट्रोल कर रहा है, ये वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स। इलेक्ट्रॉन बीम जो आई यहां से वो ऊपर मूव करेगी, कितना मूव करेगी, अपने पाथ से, राइट ये सेंटर से ये क्या रही है इलेक्ट्रॉन बीम, ये कितना ऊपर मूव या नीचे मूव करने वाली है, इसके वर्टिकल इलेक्ट्रॉन बीम जो पीछे से आई वो स्ट्रेट जाएगी कि नीचे जाएगी, मींस उसका वर्टिकल डिफ्लेक्शन कौन कंट्रोल कर रहा है, ये वाली प्लेट। तो ये प्लेस कैसे गई है, ऐसी एक प्लेट के ऊपर एक, ठीक है, हॉरिजॉन्टली प्लेस करी गई है। नाम क्या है, वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स, वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस कर रहा है, वर्टिकल डिफ्लेक्शन कॉज हो रहा है किसमें, इलेक्ट्रॉन बीम में। नेक्स्ट उसके बाद आया हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स, तो दो प्लेट्स पड़ी हुई है स्ट्रेट ऐसे, ठीक है, जिनकी प्लेसमेंट क्या है, वर्टिकली प्लेस करी गई है, बट उनका नाम क्या होता है, हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स। मान लो ये इलेक्ट्रॉन बीम आ रही थी, अगर इसको पॉजिटिव चार्ज दिया है तो ये इलेक्ट्रॉन बीम क्या होगी, इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन बीम का हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन किस वजह से होता है, हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स की वजह से। तो जो इलेक्ट्रॉन बीम आ रही थी वर्टिकल में कैसे मूव करती है, बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल अप्लाइड टू दिस वर्टिकल रिफ्लेक्टिंग प्लेट। और इलेक्ट्रॉन बीम हॉरिजॉन्टली किस वजह से मूव कर रही है, बिकॉज ऑफ द वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट। तो हॉरिजॉन्टल ने क्या करा, इलेक्ट्रॉन बीम को हॉरिजॉन्टली मतलब एक ही रो में मूव करा, उसने क्या करा, कॉलम में मूव करा। तो कितना ऊपर या कितना नीचे जाना है वो कौन डिसाइड कर रहा है, वर्टिकल रिफ्लेक्टिंग प्लेट पे क्या सिग्नल अप्लाई किया है, हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट पे हॉरिजॉन्टली कितना मूव करना है, किस साइड लेफ्ट में जाना है कि राइट में जाना है, कितना लेफ्ट में जाना है कितना राइट में, वो कौन कंट्रोल कर रहा है, हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट। बट इनकी पोजीशन देखो, हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट क्या है, वर्टिकली प्लेस है, सीधे ऐसे प्लेस करी गई है, जबकि वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट मतलब जो वर्टिकल डिफ्लेक्शन कॉज कर रही है उसकी प्लेसमेंट क्या है, हॉरिजॉन्टली प्लेस करी गई है। अब इलेक्ट्रॉन बीम क्या हो गया, हॉरिजॉन्टली जितना मूव करना था वो भी कर लिया, वर्टिकली जितना मूव करना था वो भी कर लिया। फर्दर जो इलेक्ट्रॉन बीम आई है वो कहां पे जाकर स्ट्राइक करेगी, दिस इज द स्क्रीन ऑफ सीआरओ। ये क्या है, स्क्रीन है, ये क्या है, स्क्रीन किसकी बनी होती है, ऑप्टिकल फाइबर से बनाते हैं जो स्क्रीन ऑफ सीआरओ है, दिस इज कॉल्ड एज द फ्लोरोसेंट स्क्रीन। किससे बनी है, ऑप्टिकल फाइबर से बनी है। इस ऑप्टिकल फाइबर के अंदर की साइड जहां पे इलेक्ट्रॉन बीम स्ट्राइक करने वाली है, यहां पे एक कोटिंग करी जाती है, फॉस्फर कोटिंग, ताकि जो इलेक्ट्रॉन बीम जब स्ट्राइक करेगा इसको तो क्या हो जाना चाहिए, जब स्ट्राइक करेगा तो जो उसकी हीट एनर्जी है वो किसमें कन्वर्ट हो जानी चाहिए, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होनी चाहिए। जितनी तेज स्पीड से हिट करेगा वो स्क्रीन को इलेक्ट्रॉन, उतना ही ब्राइटेस्ट स्पॉट मिलेगा। तो यही काम भी क्या कर रहा था, पोस्ट एक्सेलरेटिंग एनोड, ताकि उसकी जो स्पीड जा रही है, जिस स्पीड से वो जा रहा है वो ज्यादा से ज्यादा हो जाए, ताकि जो सिग्नल जो वेवफॉर्म हमें डिस्प्ले होने वाला है वो जितना ज्यादा से ज्यादा ब्राइट दिखेगा वो बेटर रहेगा, राइट। तभी तो हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कौन सा अच्छा सिग्नल है। अगर जितना ब्राइट सिग्नल होगा उतना क्या है, बेटर वेवफॉर्म डिस्प्ले हो रही होगी। कहीं पे अगर सिग्नल आ गया ऐसा, कहीं डॉटेड में चला गया, तो हमें क्या पता कि यहाँ पे लाइट है कि नहीं है, यहाँ पे सिग्नल है कि नहीं है। तो जितना ब्राइटर स्पॉट होगा उतना ही क्या होगा, रीड करने में इजी होगा। तो इसीलिए क्या होता है, इनसाइड क्या ले करते हैं, फॉस्फर कोटिंग अप्लाई करते हैं, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे होती है एक एक्वाडेक कोटिंग। अब देखिए यहाँ पे एक कोटिंग करी जाती है जिसका नाम क्या होता है, एक्वाडेक कोटिंग।
एक्वाडेक कोटिंग क्या होती है, देखिए अब जरूरी तो नहीं है कि सारे जो इलेक्ट्रॉन बीम से आ रहे हैं वो इसी पे स्क्रीन पे हिट करें, कुछ स्क्रीन से बाहर भी तो जा सकते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन जो बीम इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो जरूरी नहीं है सारे के सारे स्क्रीन पे जाए, कुछ स्क्रीन से बाहर भी चले जाएंगे इतने डिफ्लेक्शन की वजह से, तो वो सब इलेक्ट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, उसको कहते हैं एक्वाडेक कोटिंग। एक्वाडेक कोटिंग करी जाती है, एक्वाडेक के एक्वस सॉल्यूशन होता है ग्रेफाइट का, जिसका काम क्या होता है सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करना, मींस जो इलेक्ट्रॉन स्क्रीन पे नहीं गए उनको एब्जॉर्ब कर लेगा। अगर ऐसा नहीं होता, अगर हम एक्वाडेक कोटिंग नहीं यूज करेंगे तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं क्लियर वो एक्युमुलेट होते रहेंगे, मतलब चार्ज इकट्ठा होता रहेगा, चार्ज पे क्या है इलेक्ट्रॉन पे क्या है नेगेटिव है, तो मैं क्या समझूंगा कि ये सारा चार्ज क्या हो रहा है इधर आ रहा है, अगर गलती से भी अगर हमने सीआरओ को टच कर दिया तो हमें क्या लगेगा करंट लग जाएगा, तो उसको बचाने के लिए हमने क्या करा एक्वाडेक सॉल्यूशन मींस एक्वाडेक की कोटिंग, और एक्वाडेक जो एक्वस सॉल्यूशन होता है ग्रेफाइट का, जिसका काम क्या है इलेक्ट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेना, चार्ज को इकट्ठा ना होने देना यहाँ पे, ताकि जब भी सीआरओ को टच करेंगे कोई करंट नहीं लगना चाहिए। अब ये हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट और वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट पे सिग्नल आता कहां से है, देखिए जो वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स होती हैं उस पे हमेशा क्या आता है वाई चैनल से सिग्नल आता है, वाई चैनल सिग्नल, देखिए सीआरओ पे देखा होगा दो पॉइंट लिखे होते हैं, एक पे एक्स चैनल और एक वाई चैनल, दिस इज गिवन एज वाई चैनल एंड अनदर सिग्नल, यहां पे प्रॉब्स कनेक्ट करते हैं सीआरओ में, प्रॉब्स मतलब वो वायर्स जो सीआरओ पे कनेक्ट होते हैं उसको कह रहे हैं प्रॉब्स, एक कनेक्ट करते हैं वाई चैनल पे, एक क्या होता है लिखा हुआ एक्स चैनल। अब देखिए वाई चैनल पे जो भी हम एक्सटर्नल सिग्नल अप्लाई करते हैं थ्रू प्रोब, यहां पे क्या कनेक्ट करते हैं हम प्रोब्स कनेक्ट करते हैं, वो प्रोब्स क्या करती है वाई चैनल, वाई चैनल का सिग्नल किसके जाता है एम्पलीफायर को दिया जाता है, एम्पलीफायर में गया मतलब सिग्नल क्या हो गया एम्पलीफाई हो गया, एम्पलीफायर से पास होकर वो किसको दिया जाता है वाई प्लेट को, मतलब वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट को दिया जाता है। वाई प्लेट क्यों कह रहे हैं, बिकॉज ये क्या कर रहा है वर्टिकल में वाई एक्सिस में क्या कर रहा है डिफ्लेक्शन कर रहा है, और द वर्टिकल डिफ्लेक्शन कर रहा है, तो वाई चैनल का इनपुट किस पे जाता है हमेशा वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट पे अप्लाई किया जाता है, तो वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट पे हमेशा क्या आएगा जो एक्सटर्नल अननोन सिग्नल अप्लाई किया है वो अप्लाई करते हैं हम वाई चैनल पे, और वाई चैनल किसका हुआ एम्पलीफायर हुआ, मतलब सिग्नल एम्पलीफाई हुआ और किस पे गया वो वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट पे गया। अगर हम X चैनल की बात करें तो X चैनल का इनपुट किससे कनेक्ट करते हैं हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट से, तो X चैनल का इनपुट जो प्रोब्स यहां पे भी क्या हुआ प्रोब्स कनेक्ट करी, ये प्रोब्स के थ्रू चैनल जाएगा, पहले उसको एम्पलीफाई करेंगे तो पहले एम्पलीफायर में जाएगा, वो एम्पलीफायर से पास होकर किस में कनेक्ट होगा वो हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट पे होगा। तो देखिए सीआरओ के जो होते हैं दो मोड्स होते हैं एक्सटी मोड और XY मोड, तो XT मोड में जो हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट पे जो सिग्नल आता है वो इंटरनली जनरेटेड स्वीप सिग्नल आता है, इंटरनली जनरेटेड स्वीप सिग्नल स्वीप सिग्नल क्या एक रैम सिग्नल होता है जो इंटरनल जनरेट होता है, मींस सीआरओ के अंदर ही क्या लगा हुआ है एक रैंप जनरेटर प्रेजेंट होता है, तो अगर हम इसको वाईटी मोड में अप्लाई यूज कर रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट पे एक्सटर्नल से इनपुट नहीं आएगा, वो इंटरनल प्लेस जो रैंप जनरेटर है उससे सिग्नल लेगा, राइट। एडवांटेज मींस कब हम एक्सटी मोड करते हैं कब एक्सवाई मोड करते हैं वही हम नेक्स्ट आगे अभी डिस्कस करेंगे। अगर हम एक्सवाई मोड में सीआरओ को अप्लाई यूज करते हैं तो जो एक्स चैनल पे सिग्नल अप्लाई किया जनरली क्या होता है ये नॉन सिग्नल अप्लाई होता है, राइट। ये नॉन सिग्नल जो एक्स चैनल पे सिग्नल अप्लाई किया वो किस पे होगा हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट पे कनेक्ट किया जाएगा, कब इन अ एक्सवाई मोड ऑफ ऑपरेशन। तो देखिए सीआरओ की स्क्रीन पे जो वेव फॉर्म बनती है उससे हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं फेज एंगल फ्रीक्वेंसी, मींस एक अननोन फ्रीक्वेंसी सिग्नल, मान लो ये एक्स वाई मोड में ऑपरेट हो रहा है तो जो सिग्नल अप्लाई किया है वो क्या है अननोन सिग्नल किस पे अप्लाई किया जाता है वाई चैनल पे। अब ये वाला सिग्नल क्या करेगा इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है इन दोनों इनपुट वेव फॉर्म में फेज डिफरेंस क्या है वो सब कैलकुलेट कर सकते हैं हम यूजिंग द बाय लुकिंग एट द पैटर्न्स, जिसे कहते हैं लिसैजस पैटर्न्स ऑन द स्क्रीन ऑफ स्क्रीन।
राइट अगर हम इसको वाई टी मोड में ऑपरेट करते हैं, वाई टी मोड में ऑपरेट कब किया जाता है, अगर जो हमने सिग्नल अननोन सिग्नल अप्लाई किया है वाई चैनल पे, उसकी वेव फॉर्म को देखना है, वो क्या है वोल्टेज वेव फॉर्म को अगर स्क्रीन पे देखना है राइट, तो हम क्या यूज करेंगे वाई टी मोड को। क्लियर? तो ये दो मोड्स होते हैं, एक्स टी मोड और एक्स वाई मोड। दिस इज हाउ द कंस्ट्रक्शन ऑफ सी आर ओ लुक्स लाइक। ठीक है, तो स्टार्टिंग फ्रॉम हीटिंग एलिमेंट जिसने हीट किया, उसके बाद क्या आया कैथोड जिसने इलेक्ट्रॉन्स को एमिट किया, उसके बाद क्या आता है कंट्रोल ग्रिड होता है, नेक्स्ट इज द प्री एक्सेलरेटिंग एनोड, फोकसिंग एनोड, पोस्ट एक्सेलरेटिंग एनोड, वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट, हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स, एंड देयर आफ्टर क्या होगा स्क्रीन होगा, सीआर होगा। तो स्क्रीन किसका होता है, ग्रीन क्यों दिखता है, बिकॉज ये ऑप्टिकल फाइबर की स्क्रीन होती है जिसके अंदर क्या करा है फॉस्फर कोटिंग करी गई है। क्लियर? तो आगे देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन गन। तो अभी मैंने बताया इलेक्ट्रॉन गन कहां से कहां तक होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन गन होती है वो यहां से यहां तक, दिस इज कंप्लीट पोर्शन इज इलेक्ट्रॉन गन राइट, फोकसिंग एनोड, एक्सेलरेटिंग एनोड, कैथोड, ये सब किसका पार्ट होता है इलेक्ट्रॉन गन। तो ये कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन गन क्या होते हैं, दीज आर द हीटिंग एलिमेंट जिसने हीट जनरेट किया, मींस हीट जनरेट होगा तभी कैथोड में क्या होगा इलेक्ट्रॉन्स का जनरेशन होगा, मींस इलेक्ट्रॉन्स का जन्म होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे कब, जब हीटिंग एलिमेंट को वोल्टेज या एक्सटर्नल सप्लाई से कनेक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट इज कंपोनेंट्स बने इलेक्ट्रॉन गन, तो इलेक्ट्रॉन गन में हीटिंग एलिमेंट आएगा, कैथोड आएगा, देयर आफ्टर कंट्रोल ग्रिड, नेक्स्ट इज प्री एंड पोस्ट एक्सेलरेटिंग एनोड, ऑल्सो द फोकसिंग एनोड। तो यहां से यहां तक का पूरा कंप्लीट, इधर से लेके इधर, मींस ये हीटिंग एलिमेंट, कैथोड, कंट्रोल ग्रिड, प्री एंड पोस्ट एक्सेलरेटिंग एनोड एंड फोकसिंग एनोड, ये कंप्लीट पार्ट को कहते हैं इलेक्ट्रॉन गन। सिर्फ ये नहीं होता कि इलेक्ट्रॉन गन जो यहां से आया, यहां से यहां तक के पार्ट को कहते हैं इलेक्ट्रॉन गन। नेक्स्ट इज देयर आर टू टाइप ऑफ डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स, वो हमने देखा हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट और वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स होती है। नाम क्यों आया हॉरिजॉन्टल, मतलब हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन बीम को, वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स मतलब वर्टिकल डिफ्लेक्ट करेगा किसको, जो भी हमारा सिग्नल आ रहा है इलेक्ट्रॉन बीम उसको, और वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट पे सिग्नल कहां से आता है वाई चैनल से, हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट पे सिग्नल कहां से आता है दैट डिपेंड्स ऑन द किस मोड में हम ऑपरेट कर रहे हैं, एक्सटी मोड में इंटरनली जनरेटेड स्वीप जनरेटर से, और एक्स वाई मोड में जो एक्स चैनल का इनपुट है उससे सिग्नल आता है हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट से। नेक्स्ट इज अब देखिए इनकी डेफिनेशन देखिए, हीटिंग एलिमेंट, हीटिंग एलिमेंट का नाम से ये हीट करेगा, मीन्स हीट करेगा तभी इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे। तो हीटिंग एलिमेंट क्या है, इट इज यूज टू हीट अप द कैथोड। इलेक्ट्रॉन्स कहां से निकल रहे हैं, कैथोड से निकल रहे हैं, लेकिन वो कैसे निकल रहे हैं, जब हीटिंग एलिमेंट पे एक्सटर्नल वोल्टेज मीन्स एक्सटर्नल सप्लाई से कनेक्ट किया जाता है तो करंट फ्लो करेगा और वो क्या करेगा हीट जनरेट करके देगा, जिसकी वजह से क्या होंगे इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होंगे। तो ये कितना होता है जनरली, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है कितने वोल्टेज और कितने करंट की वैल्यू अप्लाई करी जाती है। तो 6.3 वोल्ट की वोल्टेज अप्लाई करते हैं एक्सटर्नल वोल्टेज और करंट कितना फ्लो करता है अराउंड 600 मिली एम्पीयर का करंट फ्लो करता है। तो अगर मैग्नीट्यूड नहीं भी याद है कोई प्रॉब्लम नहीं, बट याद रखिए वो हीटिंग एलिमेंट कब वर्क करेगा, सीआरओ कब स्क्रीन दिखती है हमें, जब हम उसको पावर सप्लाई से कनेक्ट करते हैं तो एक्सटर्नल पावर सप्लाई देंगे, मीन्स जब उसको एक्सटर्नल वोल्टेज या करंट मिलेगा, मीन्स एक्सटर्नल पावर सप्लाई उसको मिलेगी, तभी वो क्या कर पाएगा हीटिंग एलिमेंट काम करेगा। अब देखिए कैथोड, कैथोड का काम क्या है, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं वो कहां से निकल रहे हैं, कैथोड से ही तो निकल रहे हैं। अब देखिए कैथोड के इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फ्रॉम हीटिंग कैथोड, जब कैथोड के क्या होगा सरफेस गर्म होगा, मींस कैथोड के अंदर के एक क्या है हीटिंग एलिमेंट है, जब वो गर्म होगा तो वो क्या करेगा इलेक्ट्रॉन्स का एमिट करेगा, वो इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन हम बढ़ा भी सकते हैं या उनकी एनर्जी को बढ़ा सकते हैं, इंटेंसिटी को बढ़ा सकते हैं बाय यूजिंग क्या है लेयर ऑफ बैरियम और स्ट्रोंटियम ऑक्साइड प्लेस कर दी जाती है। अगर ये कैथोड है तो इसके ऊपर क्या कर देंगे एक लेयर अप्लाई कर देंगे बैरियम और स्ट्रोंटियम ऑक्साइड की, ताकि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलने वाले हैं उनकी एनर्जी क्या हो जाए बढ़ जाए और तेज एनर्जी से वो निकल पाए। तो हाई एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकल पाए एक रूम टेम्परेचर पे भी।
तो ये कैसा होता है कैथोड, एक सिलेंड्रिकल शेप में, मान लो ये शेप है, इसके अंदर क्या हीटिंग एलिमेंट है, तो ये सिलेंड्रिकल शेप का होता है जिससे इलेक्ट्रॉन्स बीम जनरेट होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होते हैं, राइट। देयर आफ्टर अ कंट्रोल ग्रिड, कंट्रोल ग्रिड का काम क्या था, कैथोड के बाद क्या लगा हुआ है, कंट्रोल ग्रिड, जिसको क्या दिया गया, नेगेटिव पोटेंशियल दिया गया, कैथोड ग्रिड के बाद क्या है, कंट्रोल ग्रिड, इसको दिया नेगेटिव पोटेंशियल, ताकि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिट होने वाले हैं उनको कंट्रोल किया जा सके। कंट्रोल ग्रिड को इसीलिए नेगेटिव पोटेंशियल दिया जाता है ताकि जो इलेक्ट्रॉन्स पे क्या है, चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, और जो वो सपोज यहां से कैथोड का काम क्या था, जनरेट करना, कंट्रोल ग्रिड का काम क्या था, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिट होने चाहिए उसको कंट्रोल करना, इसीलिए नाम क्या है, कंट्रोल ग्रिड। किसका बना होता है ये, जनरली निकल मेटेरियल से बना जाता है, निकल मेटल का बना होता है, और क्या दिया जाता है इस पे, हमेशा नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करते हैं इस पे। नेक्स्ट इज प्री एंड पोस्ट एक्सेलरेटिंग एनोड, तो इनके नाम में ये, इनका काम क्या है, एक्सेलरेशन प्रोवाइड करना, किसको, इलेक्ट्रॉन बीम जो जनरेट हुई है उसको एक्सेलरेशन कौन प्रोवाइड करेगा, प्री एंड पोस्ट एक्सेलरेटिंग एनोड। देखो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, भैया क्या काम करने का काम है, इनका नाम में ही एक्सेलरेट करेंगे, किसको, इलेक्ट्रॉन बीम को, ठीक है, ताकि वो क्या कर सके, जितनी ज्यादा स्पीड से जाएगा उतना ही हमारा क्या होगा, जो वेवफॉर्म सिग्नल डिस्प्ले होने वाला है उतना ही ब्राइटर दिखेगा हमें। जनरली बहुत ही हाई वोल्टेज, ब्लड दोनों को क्या है, एक कॉमन वोल्टेज अराउंड, बहुत ही पॉजिटिव वोल्टेज से अप्लाई कर दिया जाता है, बहुत हाई वोल्टेज से, ठीक है। इन केस ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी सीआरओ, इस पॉइंट को देखना, हाई फ्रीक्वेंसी सीआरओ में पोस्ट एक्सेलरेटिंग एनोड, मतलब जो फोकसिंग एनोड के बाद जो एक्सेलरेटिंग एनोड लगी है उसको हम क्या कह रहे हैं, पोस्ट एक्सेलरेटिंग एनोड। उसका काम क्या है, देखिए, ब्राइटनेस को बढ़ा देना। ब्राइटनेस क्यों बढ़ाएगा, जितना तेज स्पीड से इलेक्ट्रॉन स्क्रीन पे हिट करेगा उतना ब्राइट सिग्नल मिल रहा है, तो वो फोकस होने के बाद कौन एक्सेलरेट कर रहा है, पोस्ट एक्सेलरेटिंग एनोड। तो पोस्ट एक्सेलरेटिंग एनोड का काम क्या होता है, ब्राइटनेस को बढ़ाना, जो ब्राइटनेस ऑफ अ वेवफॉर्म या जो सिग्नल हमें स्क्रीन पे दिख रहा है उसकी ब्राइटनेस को बढ़ाने का काम करता है। फोकसिंग एनोड, जो इलेक्ट्रॉन बीम अपने पाथ से डाइवर्ट हो गए हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स अपने पाथ से डाइवर्ट हुए हैं उनको क्या करेगा, फोकस करेगा। बिकॉज जैसे ही इलेक्ट्रॉन जनरेट हुए कैथोड से निकले तो क्या आया, प्री एक्सेलरेटिंग एनोड आ गया, वो क्या हुआ, उसने अट्रैक्ट कर लिया, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, अपने पाथ से क्या हो गए, डाइवर्ट हो गए। उन डाइवर्ट जो इलेक्ट्रॉन्स डाइवर्ट है उनको फोकस करने का काम करता है फोकसिंग एनोड। तो फोकस प्रोवाइड करने के हमारे पास दो मेथड होते हैं, मींस दो मेथड से प्रोवाइड किया जाता है। वन इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकसिंग सिस्टम एंड अनदर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोकसिंग सिस्टम और मैग्नेटोस्टैटिक फोकसिंग सिस्टम। मींस फर्स्ट या तो हम इलेक्ट्रिक इफेक्ट से जनरेट करें, इलेक्ट्रिक इफेक्ट से हमने अभी देखा फोर्स कितना होता है, एफ इज इक्वल टू क्यू इन टू ई, यानी कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते हैं तब भी क्या करेगा, मूविंग चार्ज पे फोर्स लगेगा, और या फिर हम मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट से जनरेट कर सकते हैं, तो उसका डाइवर्स कितना डाइवर्ट करेगा अपने पास से। तो हमारे पास दो मेथड है, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्ट से कंट्रोल करें, मींस फोकस करें, या फिर मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट से उसको फोकस किया जाए। अब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकसिंग सिस्टम है, जनरली क्या होती है, यही यूज होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकले, ये है प्री एक्सेलरेटिंग एनोड, यहां पे क्या कनेक्ट करी गई है, हमने पोस्ट एक्सेलरेटिंग एनोड कनेक्ट करी गई है। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए, जो कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स निकले वो क्या हुआ, अपने पाथ से डाइवर्ट हो गए। अब ये वाला सरफेस और ये वाले सरफेस में क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। ये क्या है, बहुत ही हाई वोल्टेज है, हाई पॉजिटिव पोटेंशियल, ये भी पॉजिटिव पोटेंशियल है, बट एज कंपेयर टू दिस वोल्टेज दिस इज गिवन एज द लो पोटेंशियल, ताकि क्या हो सके, चार्ज का काम क्या होता है, एक हाई इलेक्ट्रॉन जो करंट है वो हमेशा क्या करता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ ही फ्लो करता है। तो ये है हाई पॉजिटिव पोटेंशियल, दिस इज लो पॉजिटिव पोटेंशियल, ताकि जो इलेक्ट्रॉन बीम जो डाइवर्ट हो रखी है वो क्या हो सके, एक स्ट्रेट पाथ में आने की कोशिश करे। फिर क्या आ गया, पोस्ट एक्सेलरेटिंग एनोड। अब प्री एंड पोस्ट एक्सेलरेटिंग एनोड को क्या दिया जाता है, दोनों को सेम पॉजिटिव पोटेंशियल से अप्लाई किया जाता है। मींस अगेन ये क्या है, बहुत ही हाई पॉजिटिव पोटेंशियल है। तो जो इलेक्ट्रॉन जो फोकस होके आए हैं उनको और एक्सेलरेशन प्रोवाइड करने का काम देता है, और वो इलेक्ट्रॉन्स कहां जाते हैं, डायरेक्ट स्क्रीन पे हिट करते हैं। तो इसी को कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक डिफ्लेक्शन, कि इलेक्ट्रॉन्स कितने डिफ्लेक्ट हुएंगे, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक डिफ्लेक्शन।
ठीक है। तो अभी फोकस करने का काम कौन कर रहा है, फोकसिंग एनोड, तो नाम से ही है फोकसिंग एनोड, मतलब फोकस करेगा इलेक्ट्रॉन बीम को। प्री एंड पोस्ट एक्सेलरेटिंग एनोड जो होते हैं क्या होता है, उन दोनों पे सेम पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई किया जाता है, ठीक है, जबकि फोकसिंग एनोड को क्या किया जाता है, कनेक्टेड टू लोअर पॉजिटिव पोटेंशियल। तो फोकसिंग एनोड इसके बीच में आएंगे, दिस इज द पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम। ये जो सरफेस ऐसा क्यों बना, देखिए जो इलेक्ट्रॉन्स बीम जनरेट होकर आई है, ठीक है, वो क्या होती है ऐसे में मूव करती है, लेकिन ये इसी शेप में कैसे आया, बिकॉज ऑफ द, देखिए यहां पे हाई पॉजिटिव पोटेंशियल था, यहां लो पॉजिटिव पोटेंशियल था, इसलिए जो पाथ बन रहा है वो इस शेप का बन रहा है, ठीक है। एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए यहां पॉजिटिव पोटेंशियल है तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होगी, बीच में क्या कर रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, तो ये जो ऊपर से नीचे आ रहा है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई किया मींस यहां पे क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो चार्ज पे क्या करता है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होगी तो फोर्स लगेगा, इसलिए नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकसिंग सिस्टम। इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्ट पे, इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्ट की वजह से क्या होगा, फोकस होगा वो। अब देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकसिंग टेक्निक कहां पे यूज होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकसिंग टेक्निक यूज करते हैं हम सीआरओ में, विच हैज अ लेस रेजोल्यूशन, मींस इसकी जो काम करने की क्षमता है या जिस जो फोर्स लगा सकता है, जिस जो इलेक्ट्रॉन बीम हुई है कितनी फोर्स से वो फोकस कर पाएगा, वो क्या होती है इसकी लेस होती है, तो यूज इन लेबोरेटरीज फॉर साइंटिफिक मेजरमेंट। तो लैब्स वगैरह में जो सीआरओ होते हैं उनमें क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकसिंग टेक्निक यूज करते हैं टू फोकस द इलेक्ट्रॉन, जबकि सेकेंड टाइप की क्या होती है फोकसिंग टेक्निक, द मैग्नेटिक इफेक्ट से करेगी, या जिसको नाम है मैग्नेटोस्टैटिक फोकसिंग इफेक्ट, मींस मैग्नेटिक इफेक्ट पे काम करेगा, मींस मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, फोकस करेगी, तो इसकी जो फोर्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होती है, लेस होती है एज कंपेयर टू मैग्नेटिक फील्ड, तो जो जितना फोर्स वो लगा सकता है मैग्नेटिक फील्ड वो क्या होती है, हाइयर होती है, तो हम क्या कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड का इसके रिजोल्यूशन क्या होती है, हाई होती है। तो जनरली जो टीवी में जो सीआरओ होता है उसकी सीआरटी में हम क्या यूज करते हैं, मैग्नेटोस्टैटिक फोकसिंग टेक्निक यूज होती है। तो जो सीआरओ यूज होते हैं सीआरटी कैथोड रे ट्यूब जो टीवीज में यूज होती है उसमें क्या होता है मैग्नेटिक फोकसिंग टेक्निक यूज होती है, बिकॉज उसका क्या होता है हाई रेजोल्यूशन, मैग्नेटिक फोकसिंग टेक्निक का क्या होता है हाई रेजोल्यूशन होता है, जबकि कंप्यूटर सीआरटी कह लो या जन लेबोरेटरीज में जो सीआरओ है उसमें क्या हो रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकसिंग टेक्निक हो रहा है। तो कंप्यूटर की जो सीआरटी है होती है कैथोड रे ट्यूब, मतलब जिसकी वजह से हमें जो अगर पुराने डेस्कटॉप देखे होंगे तो ये उसमें क्या होता था जो डेस्कटॉप उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटोस्टैटिक दोनों फोकसिंग टेक्निक यूज करते हैं, बट जनरली इन शॉर्ट हम कह सकते हैं जो टीवी में सीआरटी होती है उसमें क्या होता है मैग्नेटोस्टैटिक फोकसिंग टेक्निक, मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट पे काम करते हैं, और जो लेबोरेटरीज में सीआरओ होते हैं वो क्या होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकसिंग टेक्निक यूज करते हैं। नेक्स्ट इज द डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स। तो यहां तक जो था कि प्री एंड पोस्ट एक्सेलरेटिंग एनोड ये सारा पार्ट क्या कहता था इलेक्ट्रॉन गन का पार्ट था, नेक्स्ट आता है डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स। तो हमने देखा दो डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स होती है, नाम में भी है हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स और वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स। तो हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो बीम आ रही है उसकी हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन कॉज करेगा, तो क्या सिग्नल अप्लाई किया गया उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा इलेक्ट्रॉन बीम हॉरिजॉन्टल मूव करेगी, तो वर्टिकली प्लेस करी जाती है, हमेशा याद रखना वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स वो क्या है ऐसे प्लेस करी गई है, राइट, मींस दिस इज वन एंड दिस इज अनदर। तो जो इलेक्ट्रॉन बीम आ रही है वो ऊपर या नीचे कितना मूव करने वाली है, मतलब वर्टिकल मोशन कैसी होगी उसकी, दिस इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय द सिग्नल अप्लाइड टू वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स, तो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्पार्टिंग और प्रोड्यूसिंग द वर्टिकल डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम। अब स्क्रीन ऑफ सीआरओ देखिए, अगर डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स के बाद हमारे पास क्या आता है स्क्रीन आती है सीआरओ की, राइट, तो स्क्रीन सीआरओ की किसकी बनी होती है, द स्क्रीन ऑफ सीआरओ इज मेड अप ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। तो अभी बताया था स्क्रीन किसकी है ऑप्टिकल फाइबर की बनी है, जिसके अंदर क्या है जैसे ये स्क्रीन है इसके इनसाइड कौन सी लेयर पुट करेंगे फॉस्फर कोटिंग डिपॉजिट करी जाती है, ताकि क्या कर सके जो वो इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करेगा,
तो उसकी हीट एनर्जी के इसमें कन्वर्ट होनी चाहिए, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करे और सिग्नल ब्राइट दिखाई देगा। तो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए मीन्स ऐसा नहीं है कि अगर फॉस्फर स्क्रीन है डायरेक्टली क्या करेगा वो, ऑप्टिकल फाइबर की स्क्रीन है उसके स्क्रीन के अंदर क्या कर रहे हैं हम, फॉस्फर कोटिंग दे रहे हैं जिसकी वजह से हमें सिग्नल क्या दिख रहा है, ब्राइट दिख रहा है। इसकी जो इंटेंसिटी आ रही है मतलब जो ब्राइटनेस आ रही है ठीक है उसको और भी बढ़ाया जा सकता है बाय यूजिंग एक्टिवेटर्स। तो फॉस्फर कोटिंग के अंदर जो और क्या एलिमेंट ऐड कर सकते हैं फॉस्फर कोटिंग के साथ, उन्हें कह रहे हैं हम एक्टिवेटर्स। ठीक है, आर एडिड टू द कोटिंग ऑफ फॉस्फोरस इन ऑर्डर टू इंक्रीज द ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो एक्टिवेटर्स क्या है वो सीआरओ मतलब फॉस्फर कोटिंग के साथ और एड कर दिए गए। एक्टिवेटर्स हो सकते हैं कॉपर, सिल्वर, क्रोमियम, मैंगनीज। ये क्या नॉन व्यूइंग साइड ऑफ सीआरओ, देखिए नॉन व्यूइंग साइड है मतलब ये हमें तो जो दिख रही है वो सामने क्या दिख रही है, ये स्क्रीन दिख रही है सीआरओ की, लेकिन इसका कुछ पोर्शन तो यहां भी होगा, ये यहां पे डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स थी, इसके बाद कुछ तो जरूरी नहीं है कि पूरा सारे जो इलेक्ट्रॉन बीम आए हो वो स्क्रीन पे ही जा रहे हो, कुछ स्क्रीन से बाहर भी आएंगे। तो ये जो पोर्शन होता है ये क्या कहलाता है जो हम देख नहीं पा रहे, दैट इज कॉल्ड नॉन व्यूइंग साइड ऑफ सीआरओ। क्या यहां पे हम क्या करें एक मेटल फिल्म अटैच करते हैं, मेटल की फिल्म, ताकि वो क्या करे एक रिफ्लेक्टर का काम कर सके, मेटल एज अ हीट सिंक। तो जो नॉन व्यूइंग साइड ऑफ सीआरओ होती है मींस ये है सीआरओ ठीक है, तो ये जो पोर्शन आएगा यहां पे क्या करी जाती है एक मेटल फिल्म रखी जाती है, बिकॉज मेटल क्या करता है हीट सिंक का काम करता है। जब इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक कर रहे हैं तो अंदर क्या होता है हीट ही जनरेट हो रही है, वही हीट एनर्जी तो कन्वर्ट हो रही है लाइट एनर्जी में। जब इलेक्ट्रॉन बीम क्या आ रही है स्ट्राइक कर रही है तो वहां पे क्या हो रही है हीट जनरेट हो रही है, जिसकी वजह से हमें सामने क्या दिख रहा है एक सिग्नल दिखाई दे रहा है। तो जो मेटल क्या करता है हीट सिंक का काम करता है मतलब हीट रिलीज करने का, जल्दी ठंडा हो जाता है। तो किसी मेटल अगर जैसे ये एक हॉट ऑब्जेक्ट है एक कोल्ड ऑब्जेक्ट है, किसी अब दोनों को साथ ले आएंगे तो क्या होगा टेम्परेचर हॉट ऑब्जेक्ट का क्या होगा जल्दी फॉलो करेगा। तो मेटल क्या करता है बहुत ही अच्छा हीट सिंक का काम करता है। अब देखिए दूसरा, देखिए टू प्रोवाइड अ कंडक्टिंग पाथ, मैंने बताया था कि यहां पे क्या जनरली डिपॉजिट किया जाता है एक्वाडेक डिपॉजिट किया जाता है। मीन्स अब एक्वाडेक पे इलेक्ट्रॉन्स आएंगे कहां से, जो इलेक्ट्रॉन्स क्या है मेटल क्या है कंडक्टिंग पाथ, तो जो इलेक्ट्रॉन स्क्रीन पे नहीं आए वो मेटल पे आए, मेटल ने क्या करा कंडक्टिंग पाथ, मींस उससे होते हुए इलेक्ट्रॉन्स कहां आ जाएंगे एक्वाडेक सॉल्यूशन में आ जाएंगे। तो ये क्या करता है, और दूसरा तीसरा काम मेटल का क्या होता है, मेटल रिफ्लेक्ट करता है लाइट को, जो लाइट दिखाई दे रही है इनसाइड वो क्या करेगा लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा वापस से, लाइट क्या करेगा वो रिफ्लेक्ट करेगा स्क्रीन की तरफ। इसलिए क्या अगर जनरली क्या यूज कर लेते हैं एक मेटल को डिपॉजिट किया जाता है एक्वाडेक कोटिंग। तो देखिए एक्वाडेक कोटिंग है स्क्रीन के पीछे, तो यहां पे एक्वाडेक कोटिंग करी गई है, जैसे ये स्क्रीन है यहां पे क्या करी गई है एक्वाडेक कोटिंग, इन बिटवीन क्या है यहां पे मेटल कनेक्ट किया है मेटल की प्लेट, तो ये एक्वाडेक कोटिंग है, ये एक्वाडेक DAG। एक्वाडेक कोटिंग क्या होती है, एक्वाडेक कोटिंग इज एक्वाडेक इन द थिंग बट एक्वस सॉल्यूशन मींस अ लिक्विड सॉल्यूशन ऑफ अ ग्रेफाइट, जिसका काम क्या होता है सेकेंडरी एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट कर पाना, मींस वो सारे इलेक्ट्रॉन्स जो क्या गए स्क्रीन पे नहीं गए तो वो क्या हो गए इलेक्ट्रॉन बीम सारे इधर नहीं गए, वो इतने ज्यादा डिफ्लेक्ट हो गए कि इससे स्क्रीन से बाहर चले गए, तो उन सारे इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर ले अपने पास एब्जॉर्ब कर ले, नहीं तो क्या होगा चार्ज यहां पे आता जाएगा इलेक्ट्रॉन्स का नेगेटिव चार्ज, तो जैसे ही सीआर को टच करते हैं तो क्या होता है करंट लगता है, तो उसको बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है एक एक्वस सॉल्यूशन, जिसे क्या कहते हैं एक्वाडेक कोटिंग, विच इज एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अ ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट का लिक्विड फॉर्म में सॉल्यूशन है टू कलेक्ट द सेकेंडरी एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स एंड रिमूव द इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज एक्यूमुलेशन, मतलब चार्ज को इकट्ठा ना होने दे ताकि अब इट सीआरओ को टच करें तो करंट ना लगे, इसीलिए क्या यूज करते हैं हम एक्वाडेक। सो दिस वाज अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ सीआरओ। अब देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक डिफ्लेक्शन के बारे में। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक डिफ्लेक्शन किसे कह रहे हैं, देखिए
ये क्या है, दिस इज आवर डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स. अब इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है वो कितना डिफ्लेक्ट करेगा अपने पास से, वो स्क्रीन पे कितना डिफ्लेक्ट करेगा. देखिए वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, जो डिफ्लेक्शन है हो रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक डिफ्लेक्शन जो कह रहे हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड. देखिए मैंने पहले क्या करा, प्री एंड पोस्ट एक्सेलरेटिंग एनोड लगाई, क्या आया, फोकसिंग एनोड लगाई. इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी उसका डायपोजिशन क्या था, अगर ये पॉजिटिव है तो ये क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मेंशन कर रहा था. तो जब इलेक्ट्रॉन्स पास करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड से, जो फोर्स लगेगा, जिस फोर्स की वजह से वो क्या करेगा, अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो रहा था. दिस इज अ प्री एक्सेलरेटिंग एनोड, प्री एक्सेलरेटिंग एनोड. बाद में क्या आया, दिस इज कॉल्ड एज, ये इसको क्या कहते हैं, फोकसिंग एनोड. दिस इज कॉल्ड एज द फोकसिंग एनोड. तो प्री एक्सेलरेटिंग एनोड की वजह से इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, डिफ्लेक्ट हो गए अपनी पाथ से. इलेक्ट्रॉन बीम, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे वो क्या हो गए थे, डिफ्लेक्ट हो गए थे. अब फोकसिंग एनोड ने क्या करा, वो कितना डिफ्लेक्शन हुआ उसी की बात करें हम. इलेक्ट्रोस्टैटिक डिफ्लेक्शन वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, ये एल जो है ये स्क्रीन है. अगर यहां पर सिर्फ स्क्रीन होती यहां से, तो ये इलेक्ट्रॉन्स कहां पर जाके डिफ्लेक्ट करते, वो देखिए क्या होगा. ये यहां सेंटर ऑफ प्लेट से स्क्रीन का डिस्टेंस हम मेंशन कर रहे हैं कैपिटल एल. तो कैपिटल एल क्या है, कैपिटल एल इज द डिस्टेंस ऑफ अ स्क्रीन और फ्रॉम द सेंटर ऑफ प्लेट. ये स्मॉल एल क्या है, देखिए जितनी बड़ी लेंथ होगी, जितनी बड़ी वो क्या होगी, उसके डिफ्लेक्टिंग प्लेट की लेंथ होगी, उतना ही ज्यादा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बीम का डिफ्लेक्शन होगा. वीडी क्या है, वोल्टेज अक्रॉस क्या है, डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स. अगर जितना ज्यादा पोटेंशियल लगाएंगे, देखिए इलेक्ट्रॉन बीम आ रही है, हमें देखना है कि कितना डिफ्लेक्शन हो पा रहा है. तो जितने तेज, जितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग क्या लगाएंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लगाएंगे प्लेट्स पे, तो डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स पे, उतना ज्यादा क्या होगा, वो स्ट्रॉन्ग डिफ्लेक्ट करेगी. यानी कि जो डिफ्लेक्शन होता है ये मतलब सेंटर ऑफ स्क्रीन, अगर ये जीरो वोल्टेज होती तो स्क्रीन क्या आती, बिल्कुल सीधी चलती इलेक्ट्रॉन बीम और वो सेंटर पे स्ट्राइक करती. यहां पे हमने क्या कर दिया, एक पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई, मींस दीज आर, दिस इज द लेंथ ऑफ अ डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स. ये क्या हो गया, डिस्टेंस है डी एंड द पोटेंशियल अप्लाइड अक्रॉस दिस प्लेट्स इज वी डी. अब इसमें क्या लगाया, पॉजिटिव पोटेंशियल आया, तो इलेक्ट्रॉन बीम क्या हो रही है, डिफ्लेक्ट कर रही है. अब वो कितना डिफ्लेक्शन हो पा रहा है यहां पे, उसी को हम चेक कर रहे हैं कि स्क्रीन पे कितना डिफ्लेक्शन होता. तो स्क्रीन का जो डिस्टेंस है दैट इज गिवन बाय कैपिटल एल. तो जो डिफ्लेक्शन होता है वो किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है, जितना दूर होगा उतना ज्यादा क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा. जितनी दूर स्क्रीन होगी उतना ही क्या होगा, उसका डिफ्लेक्शन होगा. जितनी ज्यादा बड़ी डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स की लेंथ होगी उतना ज्यादा क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा. बिकॉज उसी की वजह से जितनी बड़ी लेंथ है उतना ही ज्यादा फोर्स लगेगा. इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स. जितना कम डिस्टेंस होगा उतना ही क्या होगा, देखिए अगर कम डिस्टेंस है तो क्या होगा, डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा. डी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डी के. तो डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स में जितना कम डिस्टेंस होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, उतना ही ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा. एंड दिस इज वी ए द एक्सेलरेटिंग एनोड, वोल्टेज ऑफ एक्सेलरेटिंग एनोड. किस स्पीड से, अगर एक्सेलरेटिंग एनोड पोटेंशियल हाई है मतलब उसकी स्पीड क्या आ रही है इलेक्ट्रॉन बीम की, बहुत हाई है. बहुत हाई होगी तो उसका डिफ्लेक्शन भी क्या हो पाएगा, कम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है पीछे से वो उसकी स्पीड बहुत हाई है तो वो क्या करेगा, कम डिफ्लेक्ट करेगा. जो इलेक्ट्रॉन की स्पीड कम होगी वो क्या हो जाएगा, ज्यादा डिफ्लेक्ट कर जाएगा ड्यू टू द दिस पोटेंशियल अप्लाइड अक्रॉस डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स. तो हमने देखा डिफ्लेक्शन जो होता है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक डिफ्लेक्शन की बात हो रही है. सेंटर, ये स्क्रीन है, इसका ये क्या है, सेंटर, सेंटर से कितना डिफ्लेक्ट हुआ दैट इज गिवन बाय डी. तो कैपिटल एल वाज द लेंथ. तो वी ए क्या था, वोल्टेज ऑफ प्री एक्सेलरेटिंग एनोड. वी डी इज द पोटेंशियल बिटवीन अ डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स. तो इस और इस प्लेट के बीच में कितना पोटेंशियल अप्लाई किया गया, वी डी. स्मॉल डी इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू प्लेट्स. स्मॉल एल इज द लेंथ ऑफ दिस डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स. तो ये एल दिया, ये एल क्या है, लेंथ ऑफ डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स है. सो कैपिटल एल स्क्रीन का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स एंड डी इज द डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम. तो इलेक्ट्रॉन बीम कितनी डिफ्लेक्ट हो रही है दैट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला.
नेक्स्ट इज डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी. देखिए अभी हमने डिफ्लेक्शन, अगर हम बात करें डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी, तो डिफ्लेक्शन पर यूनिट डिफ्लेक्टिंग वोल्टेज, तो d बाय vd क्या बचेगा, ll2 dv. दिस इज नथिंग बट दिस इज कॉल्ड एज द डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी. तो v बाय vd ये क्या आ जाएगा, डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी. तो डिफ्लेक्शन पर यूनिट डिफ्लेक्टिंग वोल्टेज इज कॉल्ड एज द डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी. तो डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी CRO कैसे डिफाइन कर रहे हैं, डिफ्लेक्शन पर यूनिट डिफ्लेक्टिंग वोल्टेज. अब देखिए, अब यहां पे बात कर रहे हैं हम एक रिलेशन क्या होता है बैंडविड्थ और राइज टाइम में. जो हम सिग्नल, हम वेवफॉर्म जो देखना चाहते हैं स्क्रीन पे, वो मैक्सिमम उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो सकती है, दैट इज बीइंग डिसाइडेड बाय द रिलेशनशिप ऑफ बैंडविड्थ एंड राइज टाइम. तो ये बैंडविड्थ और राइज टाइम का रिलेशन क्या होता है, अगर उस सिग्नल का राइज टाइम होता है कितना टाइम लगेगा उसको अपनी फाइनल वैल्यू पर पहुंचने के लिए फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. तो टाइम टेकन बाय रिस्पॉन्स टू रीच द फाइनल वैल्यू फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, दैट इज डिफाइंड एज द राइज टाइम. ठीक है, तो कितनी स्पीड का मींस किस फ्रीक्वेंसी का सिग्नल हम CRO की स्क्रीन पे देख पाते हैं वो कैसे डिसाइड होता है, वो बैंडविड्थ इनटू राइज टाइम. जो बैंडविड्थ और राइज टाइम में क्या रिलेशन होता है, दैट इज बैंडविड्थ इज इक्वल टू, बैंडविड्थ क्या होती है, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ओवर व्हिच पावर सिग्नल क्या हो सके, मींस पावर ऑफ द सिग्नल इज ग्रेटर देन और इक्वल टू हाफ ऑफ मैक्सिमम पावर. तो बैंडविड्थ क्या डिसाइड करती है, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी को. तो बैंडविड्थ इनटू राइज टाइम दैट इज बीइंग इक्वल टू 0.35 इन केस ऑफ CRO. तो दिस लिमिट्स द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सिग्नल जो हम CRO पे देख सकते हैं.